हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिंपल लिफ्टिंग मशीन का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा, इन अ मशीन लोड ऑफ 500 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन एंड अनदर लोड ऑफ 750 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन, ऑब्टेन द लॉ ऑफ मशीन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और गिवन डाटा लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में यहां पे क्या क्या लिखा है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, इन अ मशीन अ लोड ऑफ 500 न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन। लोड ऑफ 500 न्यूटन, इसका मतलब लोड W दिया है 500 न्यूटन, तो हम यहां पे W का वैल्यू लिखेंगे कितना, 500 न्यूटन। और आगे लिखा है वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन का लोड को लिफ्ट करने के लिए 50 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। लिफ्ट करना है मतलब उठाना है, तो उसको 50 न्यूटन के एफर्ट से उठाया जा रहा है। तो एफर्ट कितना है, दैट इज 50 न्यूटन, इसका मतलब पी का वैल्यू है 50 न्यूटन। लोड को W से शो किया जाता है और एफर्ट को P से शो किया जाता है। तो ये दिया है, आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है अनदर लोड ऑफ 750 न्यूटन। देखो दूसरा लोड दिया है 750 न्यूटन का, उसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो दूसरा लोड जो है उसको हम W2 कहेंगे, पहला जो लोड है उसको W1 कहेंगे और इसका जो एफर्ट है उसको हम P1 कहेंगे। दूसरा लोड जो है वो हम W2 कहेंगे, इसका लोड दिया है 750 न्यूटन और ये लोड उठाने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है, तो वहां पे लिखा है वॉज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन, मतलब इसको उठाने के लिए 60 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, मतलब P2 कितना है, वो है 60 न्यूटन। और अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि ऑब्टेन द लॉ ऑफ मशीन, तो हमें यहां पे लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन यहां पे तैयार करना है। तो लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो लॉ ऑफ मशीन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज फार्मूला ऐसा है P=mW+C। तो ये उसका फार्मूला है और ये फार्मूले से अगर आपको यहां पे लॉ ऑफ मशीन तैयार करना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, m और c का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। c माने कांस्टेंट है और m माने जो है वो स्लोप होता है। और ये आपको फाइंड कैसे करना है वो देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो दो डाटा दिया है ये दो डाटा से हम यहां पे दो इक्वेशन बनाएंगे, वो दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें m और c का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार हमें m और c का वैल्यू मिल गया फिर अब वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें लॉ ऑफ मशीन का कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमें स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वी हैव लॉ ऑफ मशीन, वी हैव लॉ ऑफ मशीन क्या है, दैट इज P=mW+C। और अब हम क्या करेंगे, यहां से दो इक्वेशंस बनाएंगे। दो इक्वेशंस क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहां पे दो लोड दिए हैं, दोनों लोड को यहां पे दो एफर्ट के थ्रू, यहां पे देखो यहां पे दो दो लोड दिए हैं और दोनों लोड को उठाने के लिए इतना एफर्ट लग रहा है, ये दो वैल्यूज दी है। तो हम यहां पे दो इक्वेशंस बनाएंगे इसकी, कैसी इक्वेशंस बनाएंगे, देखो सबसे पहला इक्वेशन ऐसा रहेगा P=mW1+C, ये पहला इक्वेशन रहेगा। और दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे P=mW2+C और जो हमें वैल्यूज यहां पता है वो बस हमें वहां पुट करना है। तो चलो P1 हम यहां लिखेंगे, P1 कितना है 50, तो हम लिखेंगे 50=m, W1 कितना है, W1 यहां 500 है तो हम लिखेंगे m(500+c)। तो फाइनली हमने यहां पहले इक्वेशन में पुट किया है और यहां पे हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो ये हम 50 को उधर लिखेंगे, ये दोनों टर्म्स को इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 500m+c
इक्वल्स टू 50, तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें यहां पे मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें उधर भी चाहिए। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको हमने कहा इक्वेशन 1। चलो हम यहां से भी हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। P2 का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। देखो P2 का वैल्यू 60 है और W2 का वैल्यू 750 है, तो हम लिखेंगे 60 इक्वल्स टू M इंटू 750 प्लस C। इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, तो ये होगा 750 M प्लस C इक्वल्स टू 60। तो ये देखिए, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ये दोनों अगर साइमल्टेनियस है तो इन दोनों को आप कैलकुलेटर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, तो वहां से आप ये सॉल्व करके M और C का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैलकुलेटर के हम यहां पे मोड में जाएंगे और इक्वेशन में जाएंगे, और इक्वेशन में जाने के बाद यहां पे दो अननोन हम यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स हमें यहां पुट करना है। तो देखो हम यहां पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में M का कोएफिशिएंट क्या है, 500 है, तो हम लिखेंगे 500 इज इक्वल टू, C का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, फिर राइट साइड में 50 है तो हम लिखेंगे 50 इज इक्वल टू। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में M का कोएफिशिएंट है 750, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, देन C का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इज इक्वल टू, और राइट साइड में 60 है हम लिखेंगे 60 इज इक्वल टू। तो ये पूरा डाटा हमने पुट कर लिया है। और अब इज इक्वल टू करेंगे तो पहला अननोन आएगा इट मींस x, और दूसरा अननोन आएगा इट मींस y। तो हमें x और y जो है यहां पे मिल चुका है, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पहला अननोन जो है वो m होगा और जो दूसरा अननोन है वो c होगा। तो m का वैल्यू हमें यहां मिल चुका है, कितना है 1/25, इट मींस 0.04, ये हमें m मिला है, और C का वैल्यू हमें मिला है वो है 30। तो फाइनली हमें M और 30 दैट इज C ये हमें मिल चुका है। और अब जैसा हमने कहा था कि एक बार आपको M और C मिल गया तो यही दो M और C लॉ ऑफ मशीन के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करो, इट मींस यहां पे पुट करो तो आपको लॉ ऑफ मशीन का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टेंड लॉ ऑफ मशीन ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, तो अब हम फाइनली लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन बना रहे हैं, दैट इज पी इक्वल्स टू एम, एम माने 0.04 प्लस यहां पे देखो पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, तो ये एम, एम के बाद हम लिखेंगे डब्ल्यू प्लस सी, सी माने कितना 30। तो फाइनली क्वेश्चन में लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, लॉ ऑफ मशीन हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।